आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो सेकंड यूनिट है दैट इज फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, ठीक है ना। हम फंक्शनल हेल्थ पैटर्न से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअली फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है क्या है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है ना, ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक टूल है जो नर्सेज यूज करती हैं, ठीक है ना। किस पर्पज के लिए, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट, ठीक है ना। अब नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप था दैट इज असेसमेंट। अब असेसमेंट को हमने डिफाइन किया था, असेसमेंट इज अ कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेटा रिगार्डिंग पेशेंट, ठीक है ना। आप पेशेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आप लोगों के पास एक और पैटर्न आ गया, एक फ्रेमवर्क आ गया है। उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, ठीक है ना। तो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के बारे में ये क्या कह रहा है कि गार्जियन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स प्रोवाइड अ यूजफुल फ्रेमवर्क यूज बाय नर्सेस टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। मतलब पेशेंट्स से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो फ्रेमवर्क है या जो टूल है जो हमें गाइड करता है, जो नर्सिस को गाइड करता है कि हाउ यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है ना। उस टूल को या उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, ठीक है ना। अब फंक्शनल हेल्थ पैटर्न किसने प्रोवाइड किया था, मार्जोरी गार्डन ने, ठीक है ना, इन 1987, ठीक है ना। फिर मैंने आपको नर्सिंग प्रोसेस में आप लोगों को एक और चीज बताई थी, नेंडा। मैंने आपको बताया था कि नेंडा जो है वो किसकी अब्रिवेशन थी, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ठीक है ना। ये एक नेंडा थी, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर क्लासिफाइंग डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग नर्सिंग डायग्नोस। फिर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि इन 2002 नेंडा ने टैक्सोनॉमी 2 पब्लिश की, और ये जो टैक्सोनॉमी 2 थी ये किसके बेस के ऊपर थी, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। मैंने आपको ये बातें बताई थी, मैंने बताया था कि टैक्सोनॉमी 2 में जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं वो किसके बेस के ऊपर होंगी, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के बेस पे होंगी। मतलब क्या है, वहां पे जो नर्सिंग डायग्नोसिस की कैटेगरीज होंगी ना, वो ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न होंगी। तो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एक तो आपको असेसमेंट में हेल्प करता है और दूसरा आपको डायग्नोस बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो सेकंड हमने बात की कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न किसने प्रेजेंट किया, मार्जोरी गार्डन ने इन 1987 के, डेट भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखें पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना लाजमी है कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न क्या है, ये एक टूल है, ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको गाइड करता है कि किस तरह आप पेशेंट से डेटा कलेक्ट करोगे। ये आप लोगों को नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप था असेसमेंट, उस असेसमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये बात समझ गए हैं, तो ये एक्चुअली क्या हुआ, ये एक असेसमेंट टूल है जो आपको हेल्प करेगा हाउ यू विल कलेक्ट, ठीक है ना, डेटा रिगार्डिंग पेशेंट। तो ये आप लोगों को नर्सिंग प्रोसेस के पहले स्टेप में हेल्प करेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको नर्सिंग डायग्नोस बनाने में ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब सेकंड बात हमने की कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को किसने प्रिपेयर किया, किसने डेवलप किया, मार्जोरी गार्डन ने इन 1987 में। अब फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के जो है ना वो 11 कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, 11 कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। और उन 11 कैटेगरी से रिलेटेड हम सिस्टमेटिकली और स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या हुई, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न ये एक टूल है, ठीक है ना, ये एक फ्रेमवर्क है जो गाइड करता है नर्सिस को रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू पेशेंट। ये बात समझ आ गई ना। सेकंड बात हमने की कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को किसने डेवलप किया, मार्जोरी, ठीक है ना, गार्डन ने इन 1987। फिर थर्ड बात हमने की कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के 11 कैटेगरीज होंगी, ठीक है ना, 11 कैटेगरीज होंगी, ठीक है ना। और उन कैटेगरीज को इस्तेमाल करते हुए हम पेशेंट से रिलेटेड क्या कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देख लें ये जो है ना वो 11 कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। ये 11 कैटेगरीज को डील करते हुए हम पेशेंट से रिलेटेड एक कंप्रिहेंसिव डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब पहली कैटेगरी कौन सी है, हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, इससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करेंगे। सेकंड कैटेगरी जो है ना, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक नीड्स। ये 11 कैटेगरीज आप लोगों को 11 डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बताते हैं पेशेंट के, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या होगी, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न आप लोगों को 11 कैटेगरीज देता है, 11 डिफरेंट फंक्शंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए टूल प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज एलिमिनेशन, इसमें मतलब पेशेंट की एलिमिनेशन से रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फोर्थ जो है ना दैट इज एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, पेशेंट की एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न किस तरह है,
ठीक है, उससे रिलेटेड आगे जाके हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट आप लोगों को नेम याद होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्लीप एंड रेस्ट, एंड देन कॉग्निटिव एंड परसेप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है दैट इज सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है ना। देन रोल एंड रिलेशनशिप, ठीक है ना। एंड थर्ड लास्ट इज सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। एंड सेकंड लास्ट इज कोपिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है ना। और लास्ट वन जो है ना दैट इज वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न। तो ये जो 11 कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, ये 11 कैटेगरीज से रिलेटेड आपने क्या करना है ड्यूरिंग असेसमेंट, पेशेंट से डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना। और ये आपको पेशेंट से रिलेटेड एक जामिया इन्फॉर्मेशन देगा, एक कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देगा, एक कम्प्रिहेंसिव डेटाबेस प्रोवाइड करेगा, जिसको आप आगे जाके पेशेंट को इफेक्टिवली केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन 11 कैटेगरीज के नेम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। इनके नेम्स याद करने के लिए आप लोगों के पास ये क्या है, निमोनिक्स है, ठीक है। अब निमोनिक्स जो है ना, ये अब निमोनिक्स क्या है, हनी, देखो ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को जब आप याद ध्यान में रखोगे तो आप जब इस स्टेटमेंट को वर्बलाइज करोगे जब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इजीली ये नाम रिमेंबर करने इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या है, हनीस, ठीक है ना। हनीस को सीधा रास्ता समी की वजह से मालूम हुआ, ये एक स्टेटमेंट है, आप लिख लें अपने पास। हनीस को, देखो ये हनीस की एक्चुअल स्पेलिंग नहीं है, ये जस्ट एक निमोनिक्स है आपके इजी के लिए बनाया गया है, ताकि अगर एमसीक्यूज में पैटर्न की बात हो या पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है ना, कैटेगरी ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, ठीक है ना। अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए तो आपको पता हो कि हमारे 11 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज थी, ठीक है ना। तो उसको मेमोराइज करने के लिए ये एक निमोनिक्स है। निमोनिक्स क्या है, हनीस को सीधा रास्ता समी की वजह से मालूम हुआ। अब हनीस देखो ये हो गया एच एम ई एस, एच means health perception and management, ठीक है ना। अब N का मतलब क्या हुआ, nutritional and metabolic needs, ठीक है ना। Next जो है ना E का मतलब elimination हो गया, A का मतलब activity, S का मतलब sleep and perceptions, ये ऊपर ले आए, ठीक है ना। C का मतलब cognitive, तो ये एक mnemonics हो गया। इस mnemonics को आप memorize करते हुए ये जो names हैं इसको easily memorize कर सकते हैं, ठीक है ना। तो mnemonics क्या हुआ, हनीस को सीधा रास्ता, एस का मतलब क्या हुआ सीधा, आर का मतलब रास्ता, एस का मतलब सनी, सी का मतलब की, वी का मतलब वजह। मतलब ये एक सिंपल ये टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। जो इस तरह के डिफिकल्ट नेम्स हों या ज्यादा नेम्स हों तो उनको मेमोराइज करने के लिए हम डिफरेंट निमोनिक्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक निमोनिक्स है जो आपको हेल्प करेगा इन नेम्स को, 11 कैटेगरीज के नेम्स को याद करने के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम मैं बताता हूं, अब इस निमोनिक्स का क्या मतलब हुआ, हनीस को सीधा रास्ता समी की वजह से मालूम हुआ, ये सेंटेंस को क्लियर करने के लिए मालूम हुआ, ठीक है ना। तो इस निमोनिक्स के थ्रू आप इन 11 कैटेगरीज के नेम्स को रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ दीज फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। अब ये जो 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है, ये कैटेगरीज हैं, हर एक कैटेगरी से रिलेटेड जब हम असेसमेंट करेंगे, पेशेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसमें हम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि फिर हम नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे हर एक कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स हैं जो नर्सिंग डायग्नोसिस और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हम हर कैटेगरी से रिलेटेड पूछेंगे उनके हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहली जो कैटेगरी थी, दैट इज हेल्थ परसेप्शंस एंड हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न। अब ये हमारी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है ना। अब इस कैटेगरी में हम क्या करेंगे, अब इसमें कह रहा है कि जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो डाटा कलेक्शन जो है ना वो फोकस करेगा अब किसकी, पर्सन परसेप्शंस, पर्सन परसीव लेवल्स को हम देखेंगे, ठीक है ना। रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग देयर हेल्थ, ठीक है ना। एक बंदा अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या परसेप्शन रखता है, ठीक है ना। आपकी अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या ख्यालात हैं, क्या परसेप्शन है, ठीक है ना। तो पहली कैटेगरी में, ठीक है ना, जो डाटा कलेक्शन है वो फोकस करेगा ऑन पेशेंट परसेप्शंस अबाउट देयर हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है ना। एक पेशेंट, एक इंडिविजुअल अपने हेल्थ से रिलेटेड क्या परसीव करता है, ठीक है ना। तो उसकी परसेप्शंस लेवल को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और उसकी परसेप्शंस लेवल से रिलेटेड हम डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा वो प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, वो उसके बिहेवियर्स, ठीक है, वो उसके एटीट्यूड्स को हम इवेल्युएट करेंगे जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना। तो सिंपली जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट की परसीव लेवल को देखेंगे, पेशेंट अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या परसीव करता है, उसकी क्या परसेप्शंस हैं, उसके क्या ख्यालात हैं। इसके अलावा पेशेंट्स की वो प्रैक्टिसेस जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए परफॉर्म करता है, उन प्रैक्टिसेस को हम क्या करेंगे,
एवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कह रहा है कि ऐसी आदत, ऐसी हैबिट्स जो उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, उन हैबिट्स को हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो स्मोकिंग कर रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है, वो अल्कोहल पी रहा है, ठीक है ना, ये उसकी जो हैबिट्स हैं ये क्या है, डेंजरस हैं, ये उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसी हैबिट्स को भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में हम पेशेंट्स की जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली रिलेटेड टू सेफ्टी, ठीक है ना, उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना, और उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के तरीकों को हम फर्दर क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या हुई, जो फर्स्ट कैटेगरी थी किसकी, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न की, दैट इज हेल्थ परसेप्शंस एंड हेल्थ मैनेजमेंट। इसमें हम पेशेंट की परसीव लेवल को देखेंगे, ठीक है ना, पेशेंट अपनी हेल्थ के बारे में क्या परसेप्शंस रखता है, क्या आइडिया है, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उन प्रैक्टिसेस को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। पेशेंट्स की जो हैबिट्स हैं, ठीक है ना, या जो ऐसी आदत, ठीक है ना, जो पेशेंट की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और लास्ट में पेशेंट्स की एक्चुअल और जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जो एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ सेफ्टी रिलेटेड, ठीक है ना, उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनसे रिलेटेड हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम पूछेंगे रिगार्डिंग देयर फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है ना। अब क्या है, उसके जनरल हेल्थ से रिलेटेड पूछेंगे, क्लाइंट इज जनरल हेल्थ, ठीक है ना। उसके बाद पूछेंगे यूजेस ऑफ सिगरेट, अल्कोहल और ये चीजें यूज तो नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें क्या है, ये एक्चुअल बुरी आदत है, ठीक है ना, जो पेशेंट्स की हेल्थ को, ठीक है ना, इन डेंजर में डाल रही है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम पूछेंगे कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ उसके साथ, या उस जहां पे वो वर्क काम कर रहा है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा इन पास्ट, ठीक है ना, हैज इट बीन इजी टू फाइंड वे टू कैरी आउट डॉक्टर्स और नर्सिंग सजेशन, मतलब पास्ट में जो आपको डॉक्टर या नर्सेस जो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ठीक है ना, जो आपको इंस्ट्रक्शंस देती हैं उनको कैरी आउट करना आपके लिए मुश्किल तो नहीं होता, उनसे रिलेटेड हम मालूम पूछेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर हम पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ करंट इलनेस, ठीक है ना, आपको इस वक्त जो मसला है आपके ख्याल में किस वजह से है, ठीक है ना, उससे हमें पेशेंट के परसीव लेवल का पता चल जाएगा कि उसके हेल्थ से रिलेटेड क्या परसेप्शन है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम पूछेंगे व्हाट एक्शंस हैव यू टेकन सिंस सिम्पटम स्टार्टेड, ठीक है ना, जब से आपको इस बीमारी के सिम्पटम्स क्या प्रैक्टिस, ठीक है ना, आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, खामोशी से बैठी, या आपने मतलब जो घरेलू टेक्टिक उनको इस्तेमाल किया, हकीम के पास गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप पेशेंट्स की जो मेंटल या उसकी जो परसेप्शन है उसके बारे में हम याद, वी विल ऑब्जर्व पेशेंट अपीयरेंस, इसके अलावा, ठीक है, ऐसा डेटा जो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा था, सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना, और ऐसा डेटा जो हेल्थ वर्कर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव डेटा को देखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद पेशेंट की ब्रोमिस को देखेंगे, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसके कपड़े का स्टाइल कैसा है, पेशेंट क्लीन है, ठीक है ना, इन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा पेशेंट का एक्सप्रेशन कैसा है, और उसके अलावा पेशेंट के वाइटल्स को हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है ना, सही है। तो हमारी जो पहली कैटेगरी थी वो क्या थी, दैट इज हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट। तो मैंने क्या कहा, पहले कैटेगरी में हम पेशेंट की परसीव लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे, पेशेंट अपने हेल्थ और अपने वेलबींग से रिलेटेड क्या ख्याल रखता है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या की, दूसरी हमने बताया था कि हम पेशेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है ना, जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पेशेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इसके अलावा पेशेंट की वो आदत जो पेशेंट की हेल्थ को डेंजर में डालती हैं, उन आदत को हम इवेल्युएट करेंगे, जिस तरह स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स को लेना, ठीक है, अल्कोहल को लेना, ये ऐसी आदत है जो पेशेंट की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसी आदत को भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट पेशेंट के जो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे रिलेटेड सेफ्टी, ठीक है ना, या हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है ना, उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। अब इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए या पेशेंट की परसीव लेवल को मेजर करने के लिए हम ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है ना, आप जब फंक्शनल हेल्थ पैटर्न हॉस्पिटल में अप्लाई करोगे तो आपके पास एक चेकलिस्ट होगी, हर एक कैटेगरी से रिलेटेड चेकलिस्ट होगी, उसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, इन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को आप यूज करके पेशेंट के परसीव लेवल को, पेशेंट के पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को, या पेशेंट के प्रैक्टिसेस को आप इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है ना, सही है।
अब जो सेकंड कैटेगरी, अच्छा आप देख लें ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ना उससे रिलेटेड क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है ये आप जो टेक्सोनोमी 2 थी उसमें हमने बताया था कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं वो किसके बेस पे हैं, ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। अब हर कैटेगरी से रिलेटेड सेपरेट नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे। जब भी आप नेंडा की लिस्ट को डाउनलोड करोगे नर्सिंग डायग्नोसिस की तो वहां पे आपको इस तरह की कैटेगरीज मिलेंगी। एक कैटेगरी उनमें से क्या होगी, हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट। अब ये जो डायग्नोसिस है ना ये सारे हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये जस्ट मैंने पुट इस वजह से की है 11 कैटेगरी से ताकि आप लोगों का जो पहले यूनिट का कंसेप्ट था, ठीक है ना, जिसमें हमने बताया था कि जो टैक्सोनॉमी 2 है वहां पे नर्सिंग डायग्नोसिस को ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न रखा गया है ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। तो ये देख लें ये, अब ये सारे जो है ना कैटेगरी 1 से डायग्नोज आते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात देख लें ये डायग्नोज कंप्लीट नहीं है। मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोज जब पढ़ाया था मैंने बताया था जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज है उसके क्या है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट को हम पी कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम ई कहते हैं और लास्ट पार्ट को हम S/S कहते हैं, ठीक है ना। अब जिन्होंने पहला यूनिट के लेक्चर्स लिए हैं उनको इस बात पे क्लियर है। अब पहला जो पी है वो हमें बताता है कि पेशेंट के करंट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जो सेकंड पार्ट है ई ये हमें बताता है काज ऑफ द प्रॉब्लम, काज ऑफ दैट प्रॉब्लम। और जो लास्ट स्टेप है S/S दैट इंडिकेट द क्लस्टर ऑफ साइन सिम्टम्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो नर्सिंग डायग्नोस जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस होंगे उसके क्या होंगे, 3 स्टेप्स होंगे। जिन्होंने क्लास नहीं ली उसको इस बात की समझ नहीं आएगी, जिन्होंने वीडियोस देखी हैं या क्लास ली है उनको इस बात की समझ आएगी, ठीक है ना। जो नर्सिंग डायग्नोस है आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना, 3 पार्ट नर्सिंग डायग्नोस, 2 पार्ट नर्सिंग डायग्नोस, किसी ने अगर स्टडी की है तो बाद नर्सिंग डायग्नोस के 2 पार्ट होते हैं और बाद नर्सिंग डायग्नोस के कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब जो 3 पार्ट नर्सिंग डायग्नोस होंगे ना उनके पहले पार्ट में पी होगा, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में ई होगा और थर्ड पार्ट में क्लस्टर ऑफ साइन सिम्टम्स होंगे जिसको हम डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना। पहले प्रॉब्लम में हम क्या लिखते हैं, प्रॉब्लम में लिखते हैं, सेकंड में काज लिखते हैं और थर्ड में क्लस्टर ऑफ साइन सिम्टम्स जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम मौजूद है। अब नर्सिंग डायग्नोज ये जो लिखे हुए हैं ना ये आप लोग एक्चुअली नर्सिंग डायग्नोज का पहला पार्ट है। तो नेंडा जो है ना नेंडा एक्चुअली आपको गाइड करता है कि आप किस तरह लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोज के पहले स्टेप को, पहले पार्ट को, बाकी सेकंड और थर्ड आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन आपने लिखना है। तो जब भी आप नेंडा लिस्ट को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको नर्सिंग डायग्नोस के जो पहला स्टेप है या पहला कंपोनेंट है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो सारे हैं ना ये पूरे नर्सिंग डायग्नोस नहीं है, ये जो है ना ये पूरे नर्सिंग डायग्नोस नहीं है। तो ये नर्सिंग डायग्नोस का क्या है, पहला कंपोनेंट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो रिस्क फॉर इन्फेक्शन, अब रिस्क फॉर इन्फेक्शन ये कौन सा नर्सिंग डायग्नोज है, ये रिस्क नर्सिंग डायग्नोज है। रिस्क नर्सिंग डायग्नोज के कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। एक जो है ना डायग्नोस्टिक लेवल हो गया रिस्क फॉर नर्सिंग। अब रिस्क फॉर नर्सिंग किसकी वजह से है, रिलेटेड फैक्टर इसका क्या है, रिस्क फॉर नर्सिंग, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ठीक है ना, एज एन एविडेंस बाय कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम। उसका इम्यून सिस्टम वीक है, कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम है, उस वजह से वो क्या है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये रिस्क नर्सिंग डायग्नोज आपका 2 स्टेटमेंट डायग्नोज होगा। लेकिन इसके अलावा देखो रिस्क फॉर इंजरी, ये भी रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो रिस्क नर्सिंग डायग्नोज हमने पढ़ा था ये क्या है, 2 कंपोनेंट्स होंगे इसके, ठीक है। पहले को हम रिस्क डायग्नोस्टिक लेवल कहते हैं और सेकंड को हम रिलेटेड फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो रिस्क प्रोन, ये भी रिस्क नर्सिंग डायग्नोज है, इनएफेक्टिव फैमिली थेराप्यूटिक रेजिमेन, ठीक है ना। अब ये जो है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज है, ठीक है ना। इसके अलावा इनएफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, ये हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोज है, ठीक है ना। तो हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोज जो है ना ये 2 स्टेप था। तो हमने आगे टाइप ऑफ डायग्नोज पढ़े थे, हमने बात की थी कि वहां 5 टाइप ऑफ डायग्नोसिस थे, हमने स्पेशली 3 को हम डिटेल में बात की थी, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज, रिस्क नर्सिंग डायग्नोज, हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोज, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोज, ठीक है ना। तो ये हम पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं, ये जो नोट मैंने आपको दिया है उसको रीड करके आ जाएं, फिर भी किसी को मसला हो तो ये डिस्कस कर लें, सही है ना। अब जो सेकंड कैटेगरी है ना दैट इज न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक पैटर्न। अब मतलब सेकंड कैटेगरी में हम पेशेंट से उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, उसकी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हम क्या करेंगे, मालूमात जमा करेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इन सेकंड कैटेगरी असेसमेंट इज फोकस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ फूड एंड फ्लूइड कंजम्पशन रिलेटिव टू देयर मेटाबॉलिक नीड्स। मतलब पेशेंट्स की मेटाबॉलिक नीड्स के लिहाज से, ठीक है ना, वो कितना फ्लूइड और फूड कंजम्प
कर रहा है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, समझ गए। देखो हर एक कैटेगरी आपको एक सेपरेट फंक्शन शो करता है पेशेंट का, ठीक है ना। अब जो सेकंड कैटेगरी है न्यूट्रिशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे पेशेंट की फूड कंजम्पशन, पेशेंट की फ्लूड कंजम्पशन, पेशेंट की, ठीक है ना, मेटाबॉलिक नीड्स से रिलेटेड हम बात करेंगे। आया वो फूड जो है ना अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से ले रहा है, कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। देखिए अगर कम ले रहा है तो भी मतलब उसकी बॉडी में मसले होंगे, अगर फूड अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड्स ज्यादा ले रहा है तो भी मसले होंगे। इसी तरह फ्लूड अगर उसकी बॉडी के नीड्स से ज्यादा ले रहा है तो भी मसले होंगे, कम ले रहा है तो भी मसले होंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग देयर फूड एंड फ्लूड कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न था ये हमें बताता है कि आपने किस तरह पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एक बात अपने माइंड में रख लें, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न ये जस्ट एक टूल है फॉर द असेसमेंट कि किस तरह हम पेशेंट से, पेशेंट से रिलेटेड डेटा का कलेक्ट करेंगे। आप माइंड में ये बात रख लें, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक कैटेगरी हमें एक सेपरेट फंक्शन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने के तरीके को बताएगा। इस बात को आप समझे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम मालूमात को कलेक्ट करेंगे पेशेंट की। इस वजह से कह रहा है कि इन सेकंड स्टेप ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, दैट इज न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक पैटर्न, इट फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ फूड एंड फ्लूइड कंजम्पशन रिलेटिव मेटाबॉलिक नीड्स, ठीक है ना। तो पेशेंट्स की फ्लूइड कंजम्पशन किस तरह है, फूड कंजम्पशन किस तरह है, रिलेटेड टू देयर मेटाबॉलिक नीड, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हम मालूमात का कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है द एडिक्वेसी ऑफ लोकल न्यूट्रिशनल सप्लाई इज इवेल्युएटेड। अब पेशेंट जिस इलाके में रह रहा है उस इलाके में ये जो न्यूट्रिशंस हैं इनकी सप्लाई मुनासिब मकदार में है भी कि नहीं है, इसको भी हमने इवेल्युएट करना है। देखें पेशेंट जिस इलाके में रह रहा है, अगर पेरिफेरीज में रह रहा है, हो सकता है कि वहां तक, ठीक है ना, जो फूड एसेंशियल फूड न्यूट्रिशंस है वो शायद ना पहुंच सकती हूँ, सारे फूड आइटम वहां तक सप्लाई ना होती हूँ दूर की वजह से, रोड की वजह से, किसी भी वजह से। तो जब वहां पर सप्लाई नहीं होती तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसी पूरी होंगी, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने सप्लाई को भी देखना है कि एडिक्वेट सप्लाई उसके इलाके तक है भी या नहीं है, इसको भी हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन उसको भी हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड बैलेंस, देखें अगर फ्लूइड बैलेंस में अगर फ्लूइड पेशेंट ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा फ्लूइड लेने की वजह से भी पेशेंट को मसले होते हैं, एडिमा हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये काफी प्रॉब्लम्स होते हैं क्लिनिकल एरिया में आप लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं। इसी के अलावा टिश्यू इंटीग्रिटी, देखो पेरिफेरीज कोल्ड हो जाती है, सर्कुलेशन कम हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन ऊजी ज्यादा हो जाती है, मतलब देखो एडिमा होने की वजह से होता है क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट की जरूरत है, बैक्टीरिया जो है ना वो फ्लूइड एनवायरनमेंट में अच्छी तरह अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। तो काफी लिहाज से पेशेंट प्रोन होता है टू डिफरेंट डिजीजेस, सही है। नेक्स्ट वे ना, दैट इज होस्ट डिफेंस में बी आइडेंटिफाइड। अब होस्ट डिफेंस का मतलब क्या है कि, ठीक है ना, पेशेंट्स की बॉडी की एबिलिटी कि वो किस तरह फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजेंस। अब अगर आप, ठीक है ना, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ें तो हमारी बॉडी में दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, एक इननेट डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो नेचुरल होता है और दूसरा एक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। इनको हम देखेंगे कि पेशेंट मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक तो नहीं है, ठीक है ना। देखें अगर आपकी स्किन जो है, स्किन इंटीग्रिटी लॉस हो जाए, स्किन प्रॉब्लम हो जाए, तो स्किन आपकी एक्चुअली क्या है, इननेट इम्यूनिटी में आता है, ये आपको नेचुरल डिफेंस देता है। इसी स्किन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट पैथोजेंस एंटर नहीं हो सकते। अगर आपकी स्किन में कट लग जाए, स्किन इंटीग्रिटी लॉस हो जाए, तो ठीक है, अब आप ज्यादा ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि आप इन्फेक्शन जो है ना आपके स्किन के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, स्किन आपकी ठीक है, तो इन्फेक्शन जो जरासीम्स हैं वो आपके ओरल रूट से एंटर हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके नेजल रूट से, रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर हो सकते हैं, ठीक है ना, और आप लोगों के जो एलिमिनेशन रूट है उसके थ्रू एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन के थ्रू नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टिश्यू इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, स्किन आपकी डैमेज हो जाती है, तो फिर आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इस वजह से जो थर्ड स्टेप में हमने बात की, हम पेशेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे, उसके फ्लूइड कंजम्पशन को, उसके टिश्यू इंटीग्रिटी को देखेंगे, और लास्ट में उसके डिफेंस मैकेनिज्म को भी हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा पेशेंट की जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड भी हम प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। रीजन क्या है, पेशेंट मतलब फूड सही ठीक ठाक ले रहा है, उसका जीआई सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो उस न्यूट्रिशन का कोई फायदा होगा नहीं। देखें अगर आपका जीआई सिस्टम वर्क सही नहीं कर रहा, आपको हमेशा डायरिया रह रहा है, आप बेशक 3 टाइम खाना ले रहे हैं, तो एक्चुअली जो अब्जॉर्प्शन होती है वो आपकी इफेक्टिव नहीं होती है, तो आपके जो एक्चुअल जो अब्जॉर्बेंट कंटेंट्स हैं वो आपके स्टूल में लॉस हो जाते हैं,
तो इस वजह से लास्ट में हमने उसके जीआईटी ट्रैक के फंक्शंस को भी हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उनको भी हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो सिंपली हमने क्या कहा, जो सेकंड कैटेगरी है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न की, दैट इज न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म कैटेगरी में हम जो डेटा कलेक्शन होगा वो फोकस करेगा किसके ऊपर, ठीक है ना, पेशेंट की फूड कंजम्पशन, पेशेंट की फ्लूड कंजम्पशन, और इसके अलावा हम क्या करेंगे पेशेंट्स की जो रिलेटिव मेटाबॉलिक नीड्स हैं उससे रिलेटेड हम देखेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा हम क्या करेंगे पेशेंट्स की एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड एंड फ्लूड है या नहीं उस इलाके तक जहाँ पे वो रह रहा है उसको भी हम एवेल्युएट करेंगे। और देन हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उसको भी हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे, जिस तरह फ्लूड बैलेंस होगी, एफिशिएंट इंटीग्रिटी होगी, और होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को हम देखेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में हम पेशेंट के जो जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे। समझ गए ना यहाँ तक, मुश्किल नहीं है? आपको मुश्किल लग रहा है? देखो अगर किसी को किसी बात की समझ ना आ रही हो, अगर पूछना हो तो आप पूछ ले, ठीक है ना। मैं सेकंड लास्ट समराइज इस वजह से कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो मैं अगेन मतलब उसको समझ आ जाए। अगर आप लोग फिजिकल क्लास लेने के लिए आए तो आप लोग कुछ सीख के जाए एज कम्पेयर टू जो मतलब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो हम पूछेंगे पेशेंट से रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कौन से हैं, अब सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए हमने जब असेसमेंट पढ़ी थी नर्सिंग प्रोसेस, वहां पर हमने डेटा की दो टाइप्स की बात की थी, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। देखिए सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। सब्जेक्टिव डेटा हमने ऐसे डेटा को कहा था जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पेशेंट खुद फिजिशियन को या हेल्थ वर्कर को अपने से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो सब्जेक्टिव डेटा में जो इन्फॉर्मेशन होगी ना उनको हम मेजर और ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। जब तक पेशेंट खुद नहीं बताएगा तो हम मालूम नहीं कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन को, ऐसे डेटा को हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। अब पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा पेशेंट कह रहा है कि ठीक है ना मुझे नाजिया हो रहा है, ठीक है ना, या मतलब मेरे दिल के ऊपर एक बोझ सा है। जब तक ये चीजें पेशेंट आपको नहीं बताएगा तो आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ऐसा डेटा जो पेशेंट के पार्ट ऑफ व्यू से हो, ठीक है ना, और उसको हम मेजर और ऑब्जर्व ना कर सकते हो, उस डेटा को हम क्या कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव डेटा में ऐसी कंप्लेंट्स होंगी जो पेशेंट करेगा। अगर पेशेंट ये कंप्लेंट्स नहीं करेगा तो हम उसको ऑब्जर्व और मेजर नहीं कर सकते, सही है ना। जो सब्जेक्टिव डेटा है ना, उसके बाद हमने एक और बात की थी, हमने कहा था कि जो सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी के अंदर या डिफरेंट डिजीज के जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर। आप हमेशा जब डिजीज पढ़ेंगे ना आगे वहां पे साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है। अभी तक आप लोगों ने मतलब काफी मतलब ड्यूटीज भी की होंगी, पेशेंट के साइन सिम्टम्स भी देखे होंगे, लेकिन आपको मेंटली क्लियर नहीं होगा कि यार साइन सिम्टम्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ना आपने कभी सोचा होगा, बस हम कहते हैं हाँ साइन सिम्टम्स हैं, लगे होते हैं अंधेधुंध, ठीक है ना। तो अब सिम्टम्स क्या हुए, ये सब्जेक्टिव डेटा होगा। सब्जेक्टिव डेटा का मतलब ये ऐसी कंप्लेंट्स होंगी जो पेशेंट करेगा, अदरवाइज हम उसको मेजर और ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से जो सिम्टम्स हैं दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है ना, और जो साइन है वो क्या होंगे ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव डेटा हम ऐसे डेटा को कहेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के स्किन का कलर चेंज हो रहा है, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तो स्किन के कलर के चेंज होना दिस इज ऑब्जेक्टिव डेटा, और ये क्या होगा साइन होगा। पेशेंट का टेम्परेचर जो है ना वो 104 है, अब पेशेंट का टेम्परेचर 104 जो है ना ये क्या है साइन है। क्यों साइन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव डेटा है, मैं मेजर कर सकता हूँ टेम्परेचर को। पेशेंट का बीपी जो है ना 130/75 है, अब ये क्या है साइन है। तो सिंपली बात क्या हुई, साइंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। वी कैन मेजर साइंस, ठीक है ना, व्हाइल वी कैन नॉट मेजर सिम्टम्स। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा का कंसेप्ट डिफरेंस क्लियर हो गया ना। जो साइंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव डेटा होंगे, बाजूकात वो आपको डिफरेंट साइन दे देगा एमसीक्यूज में, कहेगा कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। बाद जगह में आपको सिम्टम्स दे देगा पेशेंट से, पूछेगा कि ये सब्जेक्टिव डेटा या ऑब्जेक्टिव डेटा है। तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है ना, कुछ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ हम क्या पूछेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या है, टिपिकल डेली फ्लूइड इनटेक, ठीक है ना। आपका जो टिपिकल डेली फ्लूइड इनटेक है वो क्या है, आप कितने टाइम खाना लेते हो, साथ कुछ सप्लीमेंट्स लेते या नहीं लेते हो, ठीक है ना, आयरन वगैरह, विटामिन वगैरह, फोलिक एसिड वगैरह, ठीक है ना, या मतलब इसके अलावा कुछ जो फीड्स मिलते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है ना, वो लेते हैं,
ठीक है ना, इसके अलावा आप स्नैक्स कितने लेते हैं, हल्का फुल्का मतलब जो फूड आइटम्स हैं जो ब्रेक के हम लेते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम पूछेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पूछेंगे टिपिकल डेली फ्लूड इनटेक, आप कितने गिलास पानी पीते हो, ठीक है ना, डेली, उससे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि पर डे ठीक है ना, एक नॉर्मल एडल्ट का जो फ्लूड इनटेक है वो नॉर्मल कितना है, कितना है देखो, माशाल्लाह तकरीबन 2000 ml तक है, ठीक है ना, 15 to 2000 ml तक ये नॉर्मल इंटेक है, ठीक है ना। तो ये मतलब अब हमें इससे पता चल जाएगा कि अगर हम उसके डेली इंटेक को देखेंगे तो उसकी मेटाबॉलिक नीड्स कितनी है उसकी बॉडी की पर डे। देखो जो मेंटेनेंस हम फ्लूड की बात करते हैं ना, अच्छा ये डिफरेंट फ्लूड थेरापीज हैं, खैर हम उसमें नहीं जाते हैं। जब हम एक पेशेंट हमारे पास डिहाइड्रेट होके आता है या उसको डायरिया होता है जो भी होता है, तो उसके हम फ्लूड थेरापीज की डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है ना, एक उसको मेंटेनेंस फ्लूड थेरापी करते हैं, ठीक है ना, एक ऑनगोइंग लास्ट फ्लूड थेरापी करते हैं, एक जो डेफिसिट फ्लूड है हम उसकी थेरापी करते हैं, कितना उसकी बॉडी ने लॉस किया हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है ना, वक्त के साथ साथ अगर डायरिया पेशेंट को हो रहा है उसकी मेंटेनेंस फ्लूड लॉस का मतलब है कि पेशेंट ओरली एनपीओ है, कुछ नहीं ले रहा, तब उसकी बॉडी की जरूरत तो है ना, उस कंडीशन में उसको हम मेंटेनेंस फ्लूड थेरापी में रखते हैं, ठीक है ना। तब क्या होगा, पहले तो हम उसके डेली फ्लूड इनटेक की बात करेंगे, कितने टाइम आप फूड ले रहे हो, साथ स्नैक्स वगैरह ले रहे हो नहीं ले रहे हो, इसके अलावा ठीक है ना, आप कुछ सप्लीमेंट्स लेते तो नहीं लेते हो, विटामिन की सप्लीमेंट्स या मिनरल्स की सप्लीमेंट्स, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम उसके फ्लूड इनटेक के बारे में हम उससे पूछेंगे, कितने टाइम आप पानी लेते हो, कितना ग्लास लेते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट उससे पूछेंगे कि उसका वेट लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, उससे रिलेटेड पूछेंगे उसकी हाइट, हाइट के बारे में पूछेंगे, उसकी हाइट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, सही है ना, उससे रिलेटेड हम पूछेंगे, ठीक है ना। फिर पूछेंगे कि उसको मतलब भूख लगती है या नहीं लगती है, ठीक है ना, जब प्रॉपर भूख नहीं लगेगी तो वो फिर ये जो फूड इनटेक है डेली उसकी कम होगी, ठीक है ना, फ्लूड इनटेक उसकी कम होगी। फिर उसके बाद पूछेंगे कि अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड पूछेंगे कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कोई मसला है, ठीक है ना। और उसके बाद इन्फेंट फीडिंग जो बच्चा होगा उसका, उससे रिलेटेड हम पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी देखें न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पूछेंगे कोई डाइट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई पहले, ठीक है ना, कुछ खुराक आपको बंद तो नहीं की, ठीक है ना, मतलब चिकनी खुराक हो गया, मसाला हो गया या आलू हो गए, ऐसी कोई खुराक आपको बंद तो नहीं की गई, ठीक है ना। तो डाइट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड भी उससे पूछेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पूछेंगे स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, स्किन प्रॉब्लम। देखिए आपको पता है कि जब आपके बॉडी के अंदर जो विटामिन हैं स्पेशली उनकी कमी हो जाए तो ठीक है ना, आपके स्किन के मसले हो जाते हैं, आपके माउथ के अंदर मसले, ठीक है ना, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं वो आपको ठीक है ना क्लियरली बताते हैं कि भाई आपका मेटाबॉलिक इशू है, आपका न्यूट्रिशनल इशू है। बाज़ लोग ठीक है ना, आपके फ्रेंड्स में देखा होगा तो वो कहते हैं यार मेरे मुंह के अंदर दाने छाले निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसा कोई आपको कहता है तो आपके माइंड में एक बात आती है यार इसका न्यूट्रिशनल मसला है, या तो इसकी जो डेली डाइट है वो कम हो गई है, या इसको भूख नहीं लग रही है, जिसकी वजह से इसकी जो एसेंशियल विटामिन हैं ठीक है ना वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसकी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, या उसका जीआई सिस्टम खराब है, वो ले तो रहा है लेकिन अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, उसकी वजह से उसके मुंह के अंदर दाने निकल रहे हैं या स्किन खराब हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो आप लोगों के जो विटामिन हैं या फूड से रिलेटेड मसले हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आपको स्किन के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं अगर आपकी जो न्यूट्रिशन नीड है वो पूरी ना हो सके, ठीक है ना, जिस तरह स्किन के ऊपर जख्म बन जाते हैं, ठीक है ना, या मुंह के अंदर जो छाले निकल जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ड्राइनेस, मतलब आप फ्लूड कंजम्पशन आपकी कम है एज कम्पेयर टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स या पेशेंट की बॉडी रिक्वायरमेंट्स, तो स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद डेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इंडिकेट करते हैं आप लोगों की न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म को, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव डेटास, देखें ऑब्जेक्टिव डेटा आपके मेजरेबल होंगे और ऑब्जर्वेबल होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्किन की असेसमेंट करेंगे, स्किन की असेसमेंट से हमें पता चलेगा उसकी स्किन की इंटीग्रिटी इंटैक्ट है, ड्राई है, वेट है, कोई जख्म है या नहीं है, ठीक है ना। ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन को हम देखेंगे कि उसमें मतलब कोई जख्म वगैरह है या नहीं है, ठीक है ना। उसके टीथ्स को देखेंगे, टीथ खराब तो नहीं हुए हैं, ठीक है ना। और उसके एक्चुअल वेट लॉस या वेट गेन तो नहीं है, और उसके टेम्परेचर को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली अगेन रिवाइज करते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक पैटर्न जो है ना, इट्स अ सेकंड कैटेगरी ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, ठीक है ना। इसमें हम पेशेंट्स की फूड कंजम्पशन, पेशेंट की फ्लूड कंजम्पशन एज कम्पेयर टू देयर बॉडी नीड हम क्या करेंगे, मालूमात करेंगे, ठीक है ना। हम उससे पूछेंगे कि आपके डेली फूड इनटेक कितना है, आप कितना ले रहे हो, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, साथ स्नैक ले रहे हो या नहीं रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है कि वो अपनी बॉडी की कंजम्पशन से ज्यादा ले रहा हो,
देखें आप, एक बॉडी, एक बंदा जो है ना वो ऑफिस में बैठ के काम करता है पूरा दिन, एक बंदा जो है ना वो मजदूरी करता है, ठीक है ना, ब्लॉक उठाता है, खुदाई करता है। अब उन दोनों की जो है ना मेटाबॉलिक नीड सेम नहीं होगी। रीजन क्या है? जो मजदूरी कर रहा है उसकी बॉडी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, उसकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो इस वजह से उसको फूड की भी ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। अगर इन दोनों बॉडी में से, बंदों में से जो बंदा ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है वो खुराक ज्यादा ले रहा हो, उसकी एक्टिविटीज कम है, तो इसका मतलब है कि वो फूड ले रहा है लेकिन अपनी मेटाबॉलिक नीड से क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। अब जब ये अपनी मेटाबॉलिक नीड से ज्यादा लेगा तो ये भी क्या हो, प्रोन है इसको डिजीजेस को, इसको हाइपरटेंशन हो सकता है, इसको हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक है ना, ओबेसिटी इसको हो सकती है। तो ओबेसिटी जो है ना ये कॉजेज है डिफरेंट डिजीज की, ठीक है ना। जो बंदा ओबेस होता है वो ज्यादा प्रोन होता है डिफरेंट डिजीज को, ठीक है ना। अब जो बंदा मजदूरी कर रहा है, ठीक है ना, उसको बेचारे को, ठीक है ना, हर टाइम पे एक एक रोटी मिल रही है, बड़ी मुश्किल से वो एक रोटी खाकर अपना गुजारा कर रहा है। इसका मतलब है कि अब वो फूड ले रहा है लेकिन वो अपनी मेटाबॉलिक नीड से कम ले रहा है, तो वो बेचारा भी क्या है, प्रोन है, वीकनेस होगी, ठीक है ना, वो भी प्रोन है, ये भी प्रोन है। तो अब होना क्या चाहिए, जो बंदा सेडेंटरी लाइफ है उसकी या फिजिकल एक्टिविटीज इतनी नहीं है तो उसको अपनी खुराक अपनी बॉडी की नीड्स के लिहाज से लेनी चाहिए, और जो ज्यादा काम कर रहा है उसको थोड़ी खुराक की ज्यादा की जरूरत है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक नीड में हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, वहां पे पेशेंट्स की जो डेली फूड रिक्वायरमेंट्स हैं या डेली फूड कंजम्पशन हैं या डेली फ्लूड कंजम्पशन हैं रिगार्डिंग देयर मेटाबॉलिक नीड, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, मालूम कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल सप्लाईज हैं, जो फूड सप्लाईज हैं, क्या एडिक्यूट फूड सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है उसके इलाके तक, इसको भी हम क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। देखिए अगर उसके इलाके तक एडिक्यूट फूड सप्लाई नहीं है तो वो फिर कहाँ से मतलब अपनी जरूरियात पूरी करेगी। इसको जब हम आइडेंटिफाई करेंगे ना तो फिर आगे जाके प्लानिंग के वक्त हम इसको क्या करेंगे, मद्देनजर रख के हम प्लान बनाएंगे कि किस तरह अपनी वो इन डेफिशिएंट विटामिन को या फूड्स को पूरा कर सकती हैं जबकि उसके इलाके में नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट उसके कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिस तरह फ्लूड बैलेंस हो गया, टिश्यू इंटीग्रिटी हो गई, या उसके जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कोई मसला हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, उसको नाजिया है, वोमिटिंग है, उसको एपिटाइट है, मतलब खुराक खाने का दिल नहीं कर रहा, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है ना, फ्लटनेस हो रही है, ठीक है ना, गैस बन रही है, डिफिकल्ट इंडिफिकेशन हैं। तो ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स से रिलेटेड अगर हैं तो हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर हमने बात की कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम पूछेंगे। मैंने आपको देखो स्टार्ट में बताया था कि हर कैटेगरी से रिलेटेड हम क्या पूछेंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, और हर कैटेगरी से रिलेटेड हमारे क्या होंगे, स्पेसिफिक नर्सिंग डायग्नोज होंगे, ठीक है ना। तो सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड हम ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा पेशेंट्स के, ठीक है ना। और जी ये एक्चुअली देखो आपने हॉस्पिटल एरिया में अप्लाई करना है, लेकिन ये कंसेप्ट आप कम्युनिटी में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप घर गए हो, आपके पास मतलब आ जाता है, कह रहा है यार मेरा कोई मसला है, लेकिन अब आप बीइंग हेल्थ वर्कर आपको पता होना चाहिए कि आप हेल्थ हिस्ट्री किस तरह लोगे, आपको हिस्ट्री लेने का तरीका आना चाहिए। जब आप हिस्ट्री लोगे तो आप देखो ये सारे फंक्शंस आप इन्वॉल्व करोगे ना तो आपको क्लू मिलेगा पेशेंट को, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड बंदे को कोई मसला नहीं है, मतलब बंदे का जीआई सिस्टम ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ठीक है, इस रेट कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। फिर एलिमिनेशन की तरफ जाओगे, ठीक है ना, एलिमिनेशन में देखोगे उस रेट कोई मसला है नहीं है, तो ये आपको क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएंगे। देखिए आप पेशेंट की जब प्रॉपर आप पेशेंट से हिस्ट्री लोगे ना, पेशेंट से प्रॉपर डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको डायग्नोज करने में ईजी होगा। अब पेशेंट से आप कंप्लीट डायग्नोज असेसमेंट नहीं करोगे ना, आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, आप उससे मुकम्मल असेसमेंट नहीं करते हो, आप मतलब जल्दी जल्दी से कुछ बातें पूछते हो, तो आपके ख्याल में क्या उसका करेक्ट डायग्नोज पॉसिबल है, नहीं। या पेशेंट जब आपको इन्फॉर्मेशन बताता हो, एक्चुअल जो मसला है उसको छुपा दे, कुछ और बातें बता दे, तो आप एक्चुअल डायग्नोज कर सकते हो, नहीं। तो ये जो 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है ना, ये आपको बॉडी के 11 डिफरेंट फंक्शन के बारे में बताता है, ठीक है ना। इससे आप एक्चुअल डायग्नोज कर सकते हो, ये इफेक्टिव टूल है, ये आपको एक जामिया इंफॉर्मेशन देगा, पेशेंट के 11 डिफरेंट आस्पेक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देगा। आगे जो आप डायग्नोज स्टेप में जाओगे तो आप एक्चुअल डायग्नोज कर सकोगे, या इसी इंफॉर्मेशन को जब डॉक्टर यूज करेगा तो वो पेशेंट के एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुंच जाएगा,
तो ये एक्चुअली एक असेसमेंट टूल है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, जो नर्सेस को गाइड करता है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड, कि वो पेशेंट से किस तरह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आप FSH को यूज करके कलेक्ट करोगे वो एक जामिया इन्फॉर्मेशन होगी, वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि आप 11 डिफरेंट फंक्शंस को सामने रखते हुए आप इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो मोस्टली ये जो यूज होता है हॉस्पिटल में यूज होता है, क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस को आप कहां यूज करोगे, हॉस्पिटल में। नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना, ये एक टूल है जो नर्सिस यूज करती है टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट। अब नर्सिंग प्रोसेस की क्या है, 5 स्टेप्स है, उनमें से पहला स्टेप क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट तब होगा जब आप डेटा कलेक्शन में FSH यूज करोगे, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। अब फंक्शनल हेल्थ पैटर्न ये एक अलग टूल है जो जस्ट आपको डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है। जो डेटा कलेक्ट आप फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को यूज करके करोगे ना, वो डेटा क्या होगा, कंप्रीहेंसिव डेटा होगा, कंप्लीट डेटा होगा, समझ गए हो ना। अब फिर आप जो डेटा आपने असेसमेंट में कलेक्ट किया है ना, उस डेटा को फिर आप नर्सिंग प्रोसेस के सेकंड स्टेप में यूज करोगे, दैट इज नर्सिंग डायग्नोसिस, समझ गए। तो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इज अ सिंगल टूल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा रिगार्डिंग पेशेंट, और ये जो आपको डेटा देगा वो कंप्रिहेंसिव डेटा होगा। अब इस डेटा को आप असेसमेंट डेटा को आप आगे नर्सिंग प्रोसेस के सेकंड स्टेप में यूज करोगे। तो नर्सिंग प्रोसेस सिंपली आप कहां यूज करते हो, हॉस्पिटल सेटअप में, उसको आप कम्युनिटी सेटअप में एज सच यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपको फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एक कंसेप्ट देता है कि आप पेशेंट से इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट कर सकते हो, तो आप जनरली इसको आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कजन आता है, कहता है कि यार मतलब मेरे मुंह में दाने निकले हुए हैं, यार मुझे कुछ मसला है, तो आप देखो आपके माइंड में एक बात आ गई, यार मैं इसके डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड जब क्वेश्चन करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसके किस सिस्टम में मसला है, ठीक है ना। जब भी पेशेंट आपके पास आता है, कहता है यार मुझे पेन है, तो आप कहते हो अच्छा आपको पेन है, तो आपका यूरिन आउटपुट कैसा है, यूरिन का कलर चेंज तो नहीं है, लेकिन आपका स्टूल पास कैसे हो रहा है, अच्छा पेन किस वक्त होता है, आप चलते फिरते हो पेन हो रहा है या हर वक्त हो रहा है। हम ये डिफरेंट क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने का मकसद यही होता है कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि पेशेंट के किस सिस्टम में मसला है। देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स हैं। देखो जब आप डायग्नोज करने के लिए जाते हो ना, आप पेशेंट्स के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से इंफॉर्मेशन लेते हो, लेके फिर आप स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हो कि पेशेंट के किस सिस्टम में मसला है। अब किस सिस्टम में मसला है के लिए आपको डिफरेंट सिस्टम से रिलेटेड मालूमात लेनी होगी कि हाँ यार बाकी सिस्टम पेशेंट के सही वर्क कर रहे हैं, पेशेंट का सिर्फ एक इस सिस्टम में मसला है या पेशेंट के दो सिस्टम में मसला है। अगर दो सिस्टम में मसला है कि उन दोनों सिस्टम के आपस में कोई लिंक है या नहीं है, समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। तो ये आपको हेल्प करेंगे कम्युनिटी में भी, सही है। अब उसके बाद देखें इससे रिलेटेड कुछ क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो ये डायग्नोस देखें, आप रीड कर लें, पेशेंट को जब न्यूट्रिशनल मसला हो तो आपके पास भी ये डायग्नोस बन सकते हैं, ठीक है ना, या GI सिस्टम में मसला हो तो ये डायग्नोस बन सकते हैं। और ये कंप्लीट डायग्नोस नहीं है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ये आप लोगों के नर्सिंग डायग्नोस का जस्ट क्या है, पहला कंपोनेंट है। हर नर्सिंग डायग्नोस के 3 स्टेप्स होंगे, कितने स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स होंगे, PE एंड साइन एंड सिम्टम्स। आप में से अगर किसी ने वो असाइनमेंट की होती तो मैं आपको समझा देता, परसों एक फीमेल मेरे पास चार्ट लेके आई थी, तो ठीक है मैं आपको 3 स्टेप समझा देता, सही है ना। लेकिन चलो फिर बाद में उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, दैट इज एलिमिनेशन पैटर्न, ये अब थर्ड कैटेगरी है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न की, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन पैटर्न में आपको देखो पता होना चाहिए, यहाँ पे जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे हम डेटा कलेक्शन में हम फोकस करेंगे पेशेंट की एलिमिनेशन पैटर्न पे, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एलिमिनेशन के 3 तरीके हैं, एक आपका यूरिनरी सिस्टम है, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो GI ट्रैक सिस्टम के थ्रू एलिमिनेशन होती है, और थर्ड आपकी स्किन के थ्रू होती है। इसका मतलब है कि हम एलिमिनेशन पैटर्न में हम पेशेंट्स के 3 सिस्टम्स के ऊपर फोकस करेंगे कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो क्या कह रहा है एलिमिनेशन पैटर्न में, कह रहा है कि डेटा कलेक्शन इज फोकस ऑन एक्सक्रीटरी पैटर्न्स ऑफ बाउल ब्लैडर एंड स्किन। बाउल किसको कहते हैं, स्मॉल एनलार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एनलार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह बाउल के सिस्टम में आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है ना, फ्लाटीनेस हो सकती है, गैस वगैरह डेवलप हो सकती है। तो सिंपली क्या हुआ,
जो एलिमिनेशन पैटर्न है, जो फोर्थ कैटेगरी है फंक्शनल पैटर्न की, उसमें जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वहां पे हमारा मुकम्मल फोकस क्या होगा, बाउल, ब्लैडर और स्किन के फंक्शंस के ऊपर होगा कि ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स सच एज इनकॉन्टिनेंस, ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं हम इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, या ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब कौन कौन से प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिस तरह इनकॉन्टिनेंस हुआ, ठीक है ना, और कॉन्स्टिपेशन होगी, डायरिया होगा, यूरिनरी रिटेंशन मे बी आइडेंटिफाइड, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन पैटर्न में एलिमिनेशन से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। अब इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है कि जब पेशेंट को अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी वक्त भी उसको मतलब यूरिन लीक हो सकती है, चाहे बच्चा हो, एक डिजीज है, इनवॉलंटरी, ठीक है ना, लॉस हो जाती है यूरिन या लीक हो जाती है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन, वो तो आपको पता है, डिफिकल्ट इन पासिंग फीसिस, ठीक है ना, डायरिया मतलब लूज मोशन वगैरह हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन, पास होता है इस तरह कि यूरिन मतलब जमा होता है लेकिन वो यूरिन पास नहीं होता, ठीक है ना, डिफरेंट पैथोलॉजीज की वजह से। तो उस वक्त हम कैथेटर पास करते हैं या डिफरेंट जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो हम करते हैं, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और डॉक्यूमेंट्स करेंगे, ठीक है ना। अब उसके अलावा डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ बाउल, ठीक है ना, ब्लैडर्स एंड स्किन्स, ये प्रॉपर फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो ये तीन सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी की क्या होती है, एलिमिनेशन होती है, उनके फंक्शंस को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। समझ आ रही है ना, आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है ये चीजें। जस्ट आपको ये समझाना मुश्किल था कि एक्चुअल फंक्शनल हेल्थ पैटर्न क्या था। जब आपको फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का पता चल गया ना, ये क्या है, असेसमेंट टूल है, ये क्या है, असेसमेंट टूल है, ये आपको नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप था असेसमेंट, उसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते थे उस डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है। इस प्रोसेस के थ्रू जब आप डेटा कलेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, कंप्रिहेंसिव डेटा होगा, कंप्लीट डेटा होगा, और आप इस डेटा को आप यूज करते हुए आगे पेशेंट्स को आप इफेक्टिवली केयर प्रोवाइड कर सकते हो। समझ गए, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है ना, जिससे हमें पेशेंट के एलिमिनेशन पैटर्न का हमें पता होगा, ठीक है ना। अब क्या क्या क्वेश्चंस हैं, बाउल एलिमिनेशन पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स विद बाउल कंट्रोल यूजेस ऑफ लेक्सेटिव, ठीक है ना। तो मतलब उसका मतलब बाउल पैटर्न किस तरह है, नॉर्मल मतलब फीसिस पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब ये है कि मतलब डिफिकल्ट इन पासिंग फीसिस में अगर कोई मसला है तो वो लेक्सेटिव यूज करता है या नहीं करता, ठीक है ना, या गैस बन रही है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि उसका बाउल नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करता है या नहीं करता, नहीं करता तो वो पहले से कुछ लेक्सेटिव यूज करता है या नहीं करता, ठीक है ना। ये ऐसे डिफरेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जिसको हम पूछेंगे तो हमें पेशेंट के बाउल से रिलेटेड, पेशेंट के ब्लैडर से रिलेटेड और पेशेंट के स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं है हमें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, सही है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है कि यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न प्रॉब्लम विद ब्लैडर कंट्रोल, इससे हमें, ठीक है ना, ब्लैडर से रिलेटेड हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट एक्सेसिव ट्रिस्पायरेशन, मतलब उसे एक्सेसिव स्वीटिंग्स तो नहीं हो रही है, अगर उसको एक्सेसिव स्वीटिंग्स हो रही है तो भी स्किन के थ्रू एलिमिनेशन में मसला है, ठीक है ना। और इसके अलावा आर्डर प्रॉब्लम्स, आर्डर प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है, ठीक है ना, आर्डर प्रॉब्लम इस तरह होता है कि बाजुका पेशेंट्स जो है ना वो फील नहीं करते डिफरेंट ऑर्डर्स को। आप लोगों ने देखा होगा कि कोलीग में से बात ऐसे होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो हर किसी भी स्मेल को क्या कर देते हैं, पिक कर लेते हैं, बाद ऐसे होते हैं वो ऑर्डर को पिक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा कोई मसला है या नहीं है उसको हम क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। अब जो ऑब्जेक्टिव डेटा है ना इसमें न्यूट्रिशन में या एलिमिनेशन में, उसमें हम क्या पूछेंगे, इफ इंडिकेटेड एग्जामिन एक्सक्रीशन आर ड्रेनेज फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डिफरेंट ड्रेनेजेस हैं उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके कलर्स को देखेंगे, उसकी बनावट को देखेंगे कि वो डायल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, किस तरह, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, सही है। अब इससे रिलेटेड क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस है, एलिमिनेशन से रिलेटेड आप लोगों के ये नर्सिंग डायग्नोस हो सकते हैं, ठीक है ना। बाउल इनकॉन्टिनेंस मतलब एक उसको कंट्रोल नहीं है अपने फीसिस पास करने में, ठीक है ना। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, ठीक है ना, ग्रीन एलिमिनेशन में उसका मसला है, या रिटेंशन है, ठीक है ना, या इनकॉन्टिनेंस है। तो ये डिफरेंट डायग्नोस बन सकते हैं, किससे रिलेटेड, एलिमिनेशन से रिलेटेड, सही है। अब नेक्स्ट फोर जो है ना, दैट इज एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, ठीक है ना। इसमें हम पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटीज, डेली लाइफ एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इन एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न द असेसमेंट इज फोकस ऑन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग,
रिक्वायर्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब डेली लाइफ की ऐसी एक्टिविटीज जिनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत हो, उन एक्टिविटीज से हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, सही है ना। इंक्लूडिंग अच्छी इस तरह कौन कौन सी एक्टिविटीज, इस तरह सेल्फ केयर एक्टिविटीज, ठीक है ना। आप देखें, आप डेली आप लोग प्रिपेयर होके आते हो, सुबह मूड होते हो, आप फ्रेश होते हो, ठीक है ना, या शूज आप पॉलिश करते हो, कपड़े साफ करते हो, बालों को बनाते हो, तो ये क्या है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना। तो हम इस एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज पैटर्न में हम सेल्फ केयर एक्टिविटीज हो गया, एक्सरसाइज हो गया, या लेजर एक्टिविटीज है, उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो लेजर एक्टिविटीज का क्या मतलब है, आप अपने काम के फारग वक्त में कोई खेल कूद कर रहे हैं, कोई आउटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो लाइफ का मकसद ये नहीं है कि आप 24 आवर काम करें, ठीक है, होना इस तरह चाहिए लाइफ में, आप काम के वक्त काम करें, आप फारग वक्त में अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने दोस्तों को टाइम दें। आइए, आप अपने बच्चों को टाइम देती हैं या हर वक्त काम काम काम, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम देती हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों से रिलेटेड हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ठीक है ना। आप उसके अलावा द स्टेटस ऑफ मेजर बॉडी सिस्टम, इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, उनके कंडीशन को भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जो इन्वॉल्व होंगे इन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज। देखिए, अब आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं वो इन्वॉल्व है विद एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज। देखो, आप जितनी हैवी एक्टिविटीज करोगे आपको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो आपके उस ऑक्सीजन की कंजम्पशन को पूरा करने के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, ठीक है ना। इस तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आप जितनी ज़्यादा रनअप करोगे, ठीक है ना, आपकी बॉडी को उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो उतना फ्रीक्वेंटली या फास्टली कंट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में ब्लड आपके टिश्यू तक पहुँचेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा मात्रा में ब्लड टिश्यू तक पहुँचेगा तो मतलब क्या हुआ, टिश्यू तक ऑक्सीजन और फूड इतनी जल्दी पहुंचेगी कि वहां सेल्स को जो रिक्वायर्ड थी, ठीक है ना, उनकी वो जरूरत पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स। तो ये तीन सिस्टम्स ऐसे हैं जो डील करते हैं आपकी एक्टिविटीज और एक्सरसाइज को। इस वजह से हम इस फोर्थ स्टेप में इन सिस्टम्स के स्टेटस को भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, अगर कोई मसला है तो उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसी तरह आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कोई मसला तो है या नहीं है, अगर है तो उसको नोट करेंगे। उसी तरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से कोई प्रॉब्लम्स अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हुआ, एक्टिविटीज और एक्सरसाइज पैटर्न में हम क्या करेंगे, पेशेंट्स की जो डेली लिविंग एक्टिविटीज हैं या एक्टिविटीज के पैटर्न है उसको हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ केयर एक्टिविटीज होगी, एक्सरसाइज होगी, उसकी जो लीजर एक्टिविटीज हैं, फ्रागर टाइम में वो जो खेल करता है, आउटिंग करता है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके जो बॉडी के मेजर फंक्शंस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन दीज डेली लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, और मस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे, सही है ना। अब देख लें, यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज, सही है ना। सिंपली आप क्या है, सफिशियंट एनर्जी फॉर रिक्वायर्ड एक्टिविटीज, ठीक है ना। आपकी बॉडी, आप कोई लेथार्जिक फील तो नहीं करते हो, सुस्त फील तो नहीं करते हो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करते वक्त, अगर नहीं करते इसका मतलब ये कि जितनी एनर्जी दरकार होती है आपकी बॉडी को डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए वो पूरा हो रही है। तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सरसाइज पैटर्न क्या है, ठीक है ना। आप वॉकिंग करते हो, कोई रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, ठीक है ना, क्या तरीका है कि नहीं करते, ठीक है ना, उसकी टाइप कौन सी है, और रेगुलर एक्सरसाइज तो आप डेली करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि मैं वॉकिंग करता हूँ, वॉकिंग आप डेली करते हो या कभी कभार बाई चांस गाड़ी नहीं खोले आपके, फिर चलो मैं रोड में, ठीक है ना, उधर इंस्टीट्यूट तक चल के चल जाओ, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, वो तो मजबूरी है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज आपकी रेगुलर एक्सरसाइज होती है, सही है ना। तो हम अगर एक्सरसाइज कर भी रहा है तो रेगुलर कर रहा है ये नहीं कर रहा, ठीक है, उससे रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है ना। स्पेयर टाइम, आप मतलब आपके पास फारग टाइम है, काम से फ्री हैं उस वक्त आप क्या करते हैं, जस्ट सोते रहते हैं, फेसबुक करते हैं, ठीक है ना, या मतलब आउटिंग करते हैं, उससे रिलेटेड हम पूछेंगे, ठीक है ना। उसके बाद परसीव एबिलिटी फॉर ग्रूमिंग, आप इससे ये भी पूछेंगे, ठीक है ना, बंदा मतलब अपना किस तरह ख्याल करता है, उसका ग्रूमिंग क्या है, पर्सनैलिटी किस तरह है, हेयर स्टाइल क्या है, कपड़ों का स्टाइल क्या है, शेव की हुई है नहीं की हुई है, ठीक है ना, दुपट्टा सही किया है नहीं किया है, ठीक है ना, उससे भी पता चलता है, ठीक है ना, किसका, उसकी एक्टिविटीज का, सही है ना। उसके अलावा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट उसका किस तरह है, ब्लड प्रेशर उसका किस तरह है, ठीक है ना, उसकी जनरल अपीयरेंस किस तरह है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव डेटा है, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो ये जो सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चन है ये आपको हेल्प करेंगे, एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज, सही है ना।
अब ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हैं रिगार्डिंग एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज, सही है ना, सही है। अच्छा नेक्स्ट वन है दैट इज स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न। अब आपकी जो फिफ्थ कैटेगरी है फंक्शनल रेस्ट पैटर्न की, दैट इज स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न। तो सिंपल सी बात है, जो स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न कैटेगरीज है यहाँ पे असेसमेंट फोकस करेगी पेशेंट के स्लीप पैटर्न कैसा है। लेकिन पेशेंट अगर सो रहा है, लेकिन सोने के बाद पेशेंट रिलैक्स फील करता है या नहीं करता, लेकिन ये भी नींद करने के बाद मतलब मेंटली क्या वो रिलैक्स ना हो, इसका मतलब है कि पेशेंट की स्लीप इफेक्टिव नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, ठीक है ना। तो स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न जो है ना ये यहाँ पे असेसमेंट फोकस करेगा ऑन पर्सन स्लीप एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। इसके अलावा डिसफंक्शनल स्लीप पैटर्न, मतलब पेशेंट्स की जो स्लीप है पेशेंट को जल्दी नींद नहीं आती, या पेशेंट सोता है तो हो सकता है कि उसको ख्वाब आते हों, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो जब जागता है तो वो रिलैक्स फील नहीं करता, थकावट फील करता है, ठीक है ना। इसी के अलावा फैटीग, पेशेंट सोने के बाद भी थकावट फील करती है, पेशेंट थकावट फील कर रहा है, ठीक है ना। या इसके अलावा रिस्पॉन्स टू स्लीप डिप्राइवेशन में भी आइडेंटिफाइड, मतलब स्लीप से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड डेटा कौन से करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखें सब्जेक्टिव डेटा में वो क्या पूछता है, जनरली रेस्टेड एंड रेडी फॉर द एक्टिविटीज आफ्टर स्लीप, मतलब जब आप सोते हो, सोने के बाद जब आप जागते हो तो आया आप तैयार होते हो अपने काम के लिए, कि आप पता चलते या ओहो अब क्या ड्यूटी जाना है, ड्यूटी भी जाना है, आप सोने के बाद जब उठते हो, ठीक है ना। जब सो के आप जागते हो अगर आप एक्टिव नहीं हो, रिलैक्स नहीं हो, इसका मतलब है कि आपके स्लीप क्या है, डिसफंक्शन है, आपकी आपकी रेस्ट प्रॉपर नहीं हो चुकी है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे, स्लीप ऑनसेट प्रॉब्लम, मतलब आप बेड पे जब जाते हो तो आपको एक दो घंटे नींद नहीं आती, ये भी एक प्रॉब्लम होता है ना, जिन लोगों को नींद जल्दी नहीं आती वो सोचते हैं यार अब मेरे पास टोटल छः घंटे या चार घंटे, एक घंटा तो मेरा बेड पे लगेगा, और बाद लोग ऐसे होते हैं वो बेड पे पाँच मिनट ठीक है ना अपनी कमर लगाते हैं वो सो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, स्लीप ऑनसेट प्रॉब्लम अगर उसको है या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ड्रीम्स ऐसे रिलेटेड पूछेंगे कि आपको मतलब खौफनाक, ठीक है ना, ड्रीम्स आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए आप ये जो नाइटमेयर्स होते हैं ना, ये ऐसे ख्वाब होते हैं जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, आपको जगा देते हैं, ठीक है ना। आप डीप नींद में होते हो अगर आपको ड्रामे ख्वाब आते हैं तो वो आपको नींद से डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हम पूछेंगे, ठीक है ना। और अर्ली अवेकनिंग, बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो जल्दी जाग जाते हैं, तो जब आप जितना जल्दी जागोगे, ठीक है ना, या रात में दो तीन दफा जागोगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जब एक दफा सोते हैं ना तो हर दो घंटे के बाद जाग जाते हैं फिर सोते हैं। अब ऐसे जो लोग होते हैं उनके वो रिलैक्स नहीं होते हैं, जो लोग एक दफा सो जाते हैं, ठीक है ना, सुबह जागते हैं वो कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं। तो आप जितनी दफा नींद में जागोगे फिर सोओगे तो आप रिलैक्स प्रॉपर फील नहीं करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पेशेंट की स्लीप और रेस्ट पैटर्न से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखें एग्जामिनेशन में क्या कह रहा है, उसमें हम पेशेंट की स्लीप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, सही है। तो सिंपल क्या हुआ, जो फिफ्थ हमारे पास कैटेगरी है दैट इज स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, यहाँ पे जो असेसमेंट होगी वो फोकस करेगी पेशेंट्स के स्लीप पैटर्न पे, ठीक है ना। पेशेंट्स की पेशेंट रिलैक्स फील करता है सोने के बाद या नहीं करता, या पेशेंट की नींद में कोई मसला है, उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पूछेंगे टू असेस पेशेंट स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, ठीक है ना। अब ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है, इनसोम्निया का मतलब है कि पेशेंट की नींद नहीं आ रही, ठीक है ना। उसके बाद रेडीनेस फॉर एनहेंसिंग स्लीप, ये अब हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस है। यहाँ पे देखो वो शो कर रहा है कि पेशेंट तैयार है, लेकिन किसके लिए, अपनी नींद को बढ़ाने के लिए, नींद को नहीं आ रही, नींद को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर ये हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज हो गया, और स्लीप डिप्राइवेशन, उसकी नींद कम होती जा रही है, ठीक है ना। ये कुछ नर्सिंग डायग्नोज के पहले स्टेप हैं पी, ठीक है। अब जो छठी कैटेगरी है दैट इज कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल पैटर्न, समझ आ रही है मेरी बात, नहीं तो बस करते हैं, क्या सीन है। आप इस तरह कर लें, ये खत्म कर लेते हैं ना, फिर आप लोग रीड करके आ जाएं, स्टडी करके आ जाएं, अगर फिर भी कोई मसला हो तो मैं इलाज करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं अभी बस कर दूंगा ना, तो मुझे पता है आप सब जॉब कर रहे हो, जाके देखू भी नहीं, कल फिर टाइम इस पे वेट करना होगा। मुश्किल नहीं है, देखो मुश्किल सिर्फ ये था कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया। मैंने कहा ये एक असेसमेंट टूल है, ये आपको एक कंप्रिहेंसिव असेसमेंट करके देगा, पेशेंट से रिलेटेड आपको एक कंप्रिहेंसिव डेटा देगा, ठीक है ना। उस टूल को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, ठीक है। ये आप लोग अपने नर्सिंग प्रोसेस के पहले स्टेप में यूज करते हो असेसमेंट में, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि जो असेसमेंट के दौरान, ठीक है ना, आप
जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो बाय यूजिंग फंक्शनल हेल्थ पैटर्न करते हो, और फिर फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के बेस पे आपको मैंने बताया था कि जो टैक्सोनॉमी 2 है वहाँ पे हमने बात की थी, टैक्सोनॉमी 2 में जो नर्सिंग डायग्नोसिस थे वो किसके बेस पे थे, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। फिर हमने बात की कि यहाँ पे जो 11 कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरीज में हम एक सेपरेट फंक्शन की बात करेंगे पेशेंट की, पेशेंट की सेपरेट फंक्शन से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, और हर कैटेगरी से रिलेटेड क्या होंगे, सेपरेट नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे। वो अब बेसिक आइडिया था। अब आगे आप एक एक कैटेगरी को जब डिस्कस करते हो ना, वहाँ पे आप एक स्पेसिफिक एरिया को लेके उससे रिलेटेड आप पेशेंट को, पेशेंट के डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है ना। अब जो छठी कैटेगरी है दैट इज कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल पैटर्न। अब इसमें क्या कह रहा है कि असेसमेंट इज फोकस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो डायरेक्शंस, ठीक है ना, रिटेन इंफॉर्मेशन, मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो सिंपल सी क्या होगी, कॉग्निटिव और परसेप्चुअल पैटर्न में यहाँ पे जो असेसमेंट होगी उसमें हम किस पे फोकस करेंगे, पेशेंट की जो सलाहियत है, मुख्तलिफ जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, आया वो इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा, या जो इंस्ट्रक्शन उसको दी गई हैं वो उस इंस्ट्रक्शन को अपने माइंड में मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव और परसेप्चुअल पैटर्न में जस्ट हम पेशेंट की मेंटल कैपेबिलिटी को देखते हैं, पेशेंट को अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाए वो उसको फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके अलावा पेशेंट इन्फॉर्मेशन को माइंड में रिमाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकता, ठीक है ना, इसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा पेशेंट्स की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना, या पेशेंट्स जो है उसकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हम क्या पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखें सब्जेक्टिव डेटा में क्या है, हेयरिंग डिफिकल्टीज, ठीक है ना, मतलब उसको सुनने में मसला है। देखो लास्ट में हमने बात की थी आल्सो असेस द फाइव सेंसेस, ठीक है ना, कॉग्निटिव और परसेप्चुअल पैटर्न में पेशेंट के फाइव सेंसेस से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अब इस तरह क्या रहा है कि हेयरिंग डिफिकल्टीज हैं, कुछ है या नहीं है, अगर है तो वो हेयरिंग डिवाइस यूज करता है या नहीं करता, ठीक है ना। इसी तरह उसको विजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, अगर विजन से रिलेटेड, अगर विजन का मसला है तो वो ग्लासेस यूज करता है नहीं करता, अगर नहीं है तो लास्ट टाइम कब उसने अपने विजन को चेकअप किया था, ठीक है ना। एनी चेंजेस इन मेमोरी, उसको मेमोरी में कोई मसला तो नहीं है, मतलब याद करने में मसला है, चीज़ों को याद करने में, चीज़ों के नेम याद करने में, या उसको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में बैठा सकता है या नहीं बैठा सकता, ठीक है ना। उससे रिलेटेड हम क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, ठीक है ना। इजिएस्ट वे फॉर यू टू लर्न थिंग्स, ठीक है ना, आप किस तरह चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं, आप डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कुछ उसको लिखते हैं, कुछ लिखते नहीं डाले सुनते ही वो कर लेते हैं, कुछ बार बार रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो उसका क्वेश्चन ये कि आप किस प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं, सही है ना। जो ऑब्जेक्टिव डेटा है ना उसमें हम देखेंगे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपको अपने नाम का पर्सन प्लेस उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद हेयरिंग विस्पर्स, आप सरगोशी को सुन सकते हैं या नहीं सकते हैं, ठीक है ना। रीड्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हैं या नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेप्स आइडियाज एंड क्वेश्चंस, आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए, आइडिया दिया जाए, आप उस आइडिया को पिक कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अब आपको मैंने फंक्शनल हेल्थ पैटर्न से रिलेटेड कंसेप्ट दिया, मैंने कहा एक्चुअल फंक्शनल हेल्थ पैटर्न क्या था। अगर आपको फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का आइडिया क्लियर हुआ तो मतलब ये कि आप कॉग्निटिवली आप क्या हैं, ठीक हैं। अगर आपने उस कंसेप्ट को पिक नहीं किया तो मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अटेंशन में मसला है, सही है ना। अब उसके बाद क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है ना, ये मतलब आप लोगों के कॉग्निशन से रिलेटेड कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, सही है। अच्छा, हम सेवन कैटेगरी की बात कर रहे थे, दैट इज सेल्फ परसेप्शन। अब सेल्फ परसेप्शन में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो असेसमेंट होगी वो फोकस करेगा अबाउट पेशेंट परसेप्शन, ठीक है ना, पेशेंट अपने बारे में क्या फील कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, ठीक है ना, अपने इमेज को लेकर, उसके बाद खुद को कितना कीमती समझता है। आप सब सोचते होंगे, देखो आप उसका एक्सटर्नल को बुला रहे हो, हर किसी को पता है कि आप उसके घर में कितनी वैल्यू है, उसकी कितनी कीमत है, जिसकी जितनी ज़्यादा कीमत होगी उसको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। घर में कुछ ऐसे भी होते हैं कि दस हवा से मतलब टाइम दे रही हो, कितना बर्डन है घर के ऊपर, जिसको घर में जस्ट बर्डन समझा जा रहा हो तो उसको अपने बारे में क्या सोचता होगा, यार मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है। तो सिंपली सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ कंसेप्ट पैटर्न में यहाँ पे जो असेसमेंट करेंगे वो असेसमेंट फोकस करेगा अबाउट पेशेंट परसेप्शंस, पेशेंट अपने बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है ना, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने इमेज को लेकर, अपनी
कीमत को लेकर, ठीक है ना, खुद को कितना कीमती समझ रहा है अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, ठीक है ना, सिंपली। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, आप अपने को किस तरह, कहेंगे यार मैं मतलब जो है आप किस तरह, वो कहेंगे यार हाँ मैं मतलब नर्सिंग प्रोफेशनल में हूँ, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, ठीक है ना, मैं जब ड्यूटी में होता हूँ किसी पेशेंट को, ठीक है ना, जो किसी तकलीफ की वजह से कराह रहा होता है, जब उसकी मैं मदद करता हूँ तो जब वो रिलैक्स होती है और जो दुआएं देती है उसको लेके मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करता हूँ और मैं फ़ख्र फील करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपने से रिलेटेड पॉजिटिव मेरा एटीट्यूड है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हुआ, सेल्फ परसेप्शन में हम पेशेंट की परसेप्शन को देखते हैं, वो अपने बारे में उसका क्या ख्याल है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी इमेज के बारे में, लेकिन वो खुद को सोसाइटी में कीमती समझता है या नहीं समझता, ठीक है ना। और ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, थिंग्स फ्रीक्वेंटली मेक यू एंग्री, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एंग्रीज बनाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फेयरफुल, आप मतलब आप डर महसूस कर रहे हो नहीं करते, या आप एनॉक्शियस हो, ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड पूछेंगे। अब उसके बाद एग्जामिनेशन में हम क्या कहेंगे, आई कॉन्टैक्ट रख सकते हैं नहीं कर सकता अपने कोलीग के साथ या दूसरों के साथ, ठीक है ना। अटेंशन स्पेन, कितने वक्त तक आप एक चीज़ को फोकस करते हो, अब मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ लेकिन आप मुझे आइडिया हो रहा है कि कौन ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन अटेंशन रख सकते हैं नहीं सकता, लेकिन इससे रिलेटेड हम पूछेंगे। उसके बाद वॉइस एंड स्पीच पैटर्न, कुछ काम रहे होने जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड बात हो रही है। और बॉडी पोस्चर किस तरह है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नर्सिंग क्या हैं, डायग्नोसिस हैं रिलेटेड टू सेल्फ परसेप्शन, ठीक है ना, और सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आर्ट है, रोल एंड रिलेशनशिप, कुछ तीन चार स्लाइडें रह रही हैं, ठीक है ना, खत्म करते हैं इसको। अब रोल एंड रिलेशनशिप में देखो, सिंपल सी बात कर रहा है कि असेसमेंट इज फोकस ऑन द पर्सन रोल्स इन द वर्ल्ड एंड रिलेशनशिप विद अदर। तो सिंपल सी बात है कि रोल एंड रिलेशनशिप में जो असेसमेंट होगी, कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, ठीक है ना, वो किस चीज़ पर फोकस करेगा, पेशेंट का रोल है दुनिया में। अब मेरा और आपका रोल दुनिया में क्या डिफाइंड है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, दुखी इंसानियत की केयर करते हैं, हमारा रोल डिफाइंड है, ठीक है ना, और हम फख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है दुखी लोगों की खिदमत का। जब आपके वार्ड में कोई पेशेंट तकलीफ के लिए कराता है, आप उसको चाहे इंजेक्शन लगाते हैं, मजबूरी करते हैं, अगर वो 5 मिनट के बाद उसकी तकलीफ खत्म होती है ना, तो वो दुआएं देते हैं, उसका आपको एहसास नहीं होता। आप खुद सोचिए, जब आपको तकलीफ हो, किसी भी वजह से कम नहीं हो रही हो, उस वक्त आपके साथ कोई मतलब ऐसी हेल्प करे कि आपके 5 मिनट बाद तकलीफ कम हो, तो आप कितना मतलब खुश कि आपके बच्चे या आपके भाई या आपकी बहन किसी को तकलीफ हो, अब तब आपको एहसास होता है कि हाँ यार अब मेरी सिस्टर को तकलीफ है या मेरे बेटे को तकलीफ है या बेटी को तकलीफ है, अब किस तरह की तकलीफ दूर होगी, उस वक्त हम सब कॉन्शियस होते हैं यार ये ठीक हो जाए जल्दी, लेकिन 5 मिनट बाद जब ठीक हो तब शुक्र करते हैं यार ये तकलीफ कम होगी। जब आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो आपके माइंड में ये फीलिंग नहीं आती है, रीजन क्या है कि जो वो आपका अपना ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो जो पेशेंट होता है, लेकिन वो आपको जितनी दुआएं देता है वो आपके उससे बाहर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पर्सन का रोल है वर्ल्ड में उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसके अलावा उसका जो रिलेशनशिप है विद अदर्स, अपने कोलीग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सेटिस्फाइड विद गोल्स, वो अपने रोल से सेटिस्फाइड है, ठीक है ना, चाहे उसका जो वर्ल्ड में रोल है या उसके अलावा अपने फ्रेंड्स का जो रोल है, जो रिलेशन है, ठीक है, चीज़ें वो सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है ना। उससे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, रोल स्ट्रेंथ तो नहीं है, रोल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, वो जो रोल वो परफॉर्म कर रहा है वो किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी मेंटल बर्डन की वजह से वो अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब जिस तरह आप एक वार्ड में हैं, वहाँ पे 40 पेशेंट हैं और अपने स्टाफ में, दो स्टाफ में, अब 40 पेशेंट को 3 स्टाफ को अटेंड करना मुश्किल होता है, उस वक्त उनका जो रोल होता है जैसे स्ट्रेन हो जाता है ड्यू टू एनी स्ट्रेस। जब कोई बंदा अपना रोल परफॉर्म नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं, रोल स्ट्रेन कहते हैं, सही है ना। इसके अलावा डायस्फंक्शनल रिलेशनशिप में भी फर्दर इवेल्युएटेड, ठीक है ना, मतलब अगर किसी का रोल इतना सही परफॉर्म ना कर सकता हो या रोल में कोई मसला हो, उस रोल को हम फर्दर क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो सिंपल सी बात क्या होगी, रोल एंड रिलेशनशिप पैटर्न में यहाँ पे जो असेसमेंट होगी, असेसमेंट में हम देखेंगे कि पेशेंट का रोल क्या है दुनिया में, इसके अलावा पेशेंट का किसी में दूसरों के साथ जो रोल है वो सेटिस्फाइड है कि सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, मालूम फाइंड करेंगे, और इसके अलावा उसका जो रोल है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके रोल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। रोल स्ट्रेंथ का मतलब ये है, ड्यू टू एनी स्ट्रेस
वो अपना रोल परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है ना। और उसके बाद डायस्फंक्शनल रिलेशनशिप को हम फर्दर क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अब देख लें सब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन हैं जिनको हम पूछते हुए पेशेंट्स की असेसमेंट करेंगे, ठीक है। देखो लाइफ अलाउ, अगर बंदा अकेला रहना पसंद करता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं है रिलेशनशिप के साथ। अपने फ्रेंड के साथ जो रोल है उसका, दूसरे कोलीग का जो रोल है वो उसका क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है। अकेलापन बनता था नहीं, ऐसा भी होता है जब वो दूसरों के साथ सेटिस्फाइड फील ना करता हो। होते हैं सोसाइटी में ऐसे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वो किसी की कंपनी पसंद नहीं करते, ठीक है ना। मतलब ये है कि वो क्या होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे रिलेशनशिप विद अदर्स, उनको मसला होगा मेंटली, सही है ना। मतलब फैमिली में, ठीक है ना, फैमिली में वो किस तरह है, सबके साथ गुरु मिलकर रहते हैं नहीं रहते हैं, ठीक है ना। फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, कंबाइंड फैमिली है, ठीक है ना। उसके बाद एनी फैमिली प्रॉब्लम्स यू हैव डिफिकल्टी हैंडलिंग, घर में ऐसा कोई मसला जिसको हैंडल करना के लिए मुश्किल हो, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को हम पूछते हुए पेशेंट के रोल में रिलेशनशिप से रिलेटेड हम डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, सही है ना। अब ये क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब जो 9 है दैट इज सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे आपको नेम से आइडिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो असेसमेंट होगी वो असेसमेंट फोकस करेगी पेशेंट की सेक्सुअल एबिलिटी, ठीक है ना, पेशेंट रिप्रोडक्शन एबिलिटी के ऊपर भी फोकस करेंगे, ठीक है। असेसमेंट इज फोकस ऑन द पर्सन सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन विद सेक्सुअल सेक्सुअलिटी प्रेजेंस एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ठीक है ना। मोस्टली जो कपल्स होते हैं, जो मैरिड होते हैं, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। आया वो अपने जो सेक्सुअल एबिलिटीज या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है ना, आप जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो 9th कैटेगरी है दैट इज सेक्सुअलिटी इन रिप्रोडक्शन, इसमें जो असेसमेंट होगी वो असेसमेंट फोकस करेगी ऑन द पर्सन सेक्सुअल एबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी, उससे वो सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जब हम असेसमेंट करेंगे तो ये फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसको हम क्या करेंगे, पूछेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है वो क्या है, सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, सही है। अब देखें, अब ये नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, ये नर्सिंग डायग्नोसिस हैं सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन टेरर, देखो इन अफेक्टिव सेक्सुअलिटी पैटर्न, ठीक है ना। इसके अलावा रेप ट्रॉमा सिंड्रोम और सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जो किससे रिलेटेड हैं, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो सिंपल सी बात क्या हुई, जो 9th कैटेगरी है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न दैट इज सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन, इसमें हम जो हम असेसमेंट करेंगे वो असेसमेंट फोकस करेगा ऑन पर्सन सेटिस्फेक्शन विद देयर सेक्सुअल कैपेबिलिटी या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, ठीक है, उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है ना। तो अब डेटा कलेक्ट करने के लिए सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम ये फॉलोइंग क्वेश्चंस उससे पूछते हैं। अब जो 10th है दैट इज कोपिंग स्ट्रेस एंड टॉलरेंस पैटर्न, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो असेसमेंट होगी वो फोकस करेगा ऑन पर्सन परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस एंड ऑन हिज और हर कोपिंग स्ट्रेटजीज, मतलब यहाँ पे जो 10th कैटेगरी है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न की, यहाँ पे कह रहा है कि असेसमेंट जो है ना वो फोकस करेगा कि पेशेंट की परसेप्शन क्या है अबाउट स्ट्रेस, ठीक है ना। और उसके अलावा पेशेंट जब स्ट्रेस में जाता है तो उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है, ठीक है ना। जो लोग किसी स्ट्रेस को कोप नहीं करते हैं ना तो वो क्या हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। और जो लोग कोप कर लेते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अब आप क्या है, यहाँ पे 2, 4, 6 हैं, आप क्लास में बोलते किस स्टूडेंट हैं, अब आप लोगों का मार्क्स नहीं देने हैं, ये स्ट्रेस है। अब आप सब लोग जो है ना उस स्ट्रेस को किस तरह डील करते हो, वट इज द स्ट्रेटेजी यू विल डील विद दैट स्ट्रेस, ठीक है, उससे रिलेटेड हम बात होगी। अब आप लोगों में से जो मजबूत जिनका कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा ना वो फाइट करेंगे, वही है ना, वो अलग बात है, स्ट्रेस की टाइप की हम बात करेंगे। अब ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, आप लोग एग्जाम मार्क्स जो है ना पॉजिटिव स्ट्रेस, देखो अब पॉजिटिव स्ट्रेस की भी दो रस्मा होंगे ना, अब हम उनसे काफी स्ट्रॉन्ग होंगे जो मैनेज करेंगे, अब काफी स्ट्रॉन्ग होंगे वो मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस की अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी क्या होगी, कोपिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न में हम क्या करेंगे, पेशेंट परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को वो किस तरह परसीव करता है और उसके बाद उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है,
ठीक है, उसका फिर अगर उपाय ठीक करता है उसको हम क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पेशेंट का सपोर्टिव सिस्टम क्या है, देखो घर में कोई परेशानी आ जाती है, आप फेल हो जाते हो या आप आपसे नहीं होना, तो पीछे आपके घर वाले खड़े होते हैं, ना ना बच्चे ये तो दुनिया है, इस तरह की हजारों एग्जाम लागे आते रहेंगे, किसी में पास होगे किसी में नहीं होगे, हिम्मत नहीं हारनी। तो कोपिंग सिस्टम क्या है, पीछे घर में कोई है या नहीं है, या कुछ बेचारे ऐसे होते हैं लेकिन पिछले घर में कोई जलाते देने में भी नहीं होता, वो अकेला फाइट करता रहता है, ठीक है ना। वो सिस्टम उन सब सर्विधान क्या करना है, एवेल्युएट करना है, एंड सिस्टम ऑफ स्ट्रेस आर नोटेड। अच्छा, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्सन्स कोपिंग स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस में भी फर्दर एवेल्युएटेड, ठीक है ना। सिंपल सी बात क्या होगी, ठीक है ना, इस टेंथ कोपिंग एंड स्ट्रेस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि पेशेंट ने जो स्ट्रेस को प्रसिद्ध किस तरह करता है और उसमें उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा उसकी फैमिली की तरफ से किसी की सपोर्ट है या नहीं है कोपिंग के लिए, ठीक है ना। मोस्टली देखो जब स्ट्रेस आता है तो हमारे घर वाले खड़े होते हैं, वो हमें दिलासा देते हैं, हाँ, या कोई आपका दोस्त ऐसा होता है जिससे आप शेयर करते हो, वो आपको क्या देता है, दिलासा देता है, ठीक है ना। देखो स्ट्रेस को फ्रेंड के साथ शेयर करना भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रेस में आप खामोश रहते हो ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रेस में आप चाय पीते हो ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रेस में आप मतलब कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हो ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो आप इंटरव्यू में कोई आप बैठे हुए हो, आगे नेशनल की एडमिशन ले रहे हो या फिर कमीशन में हो, ठीक है, वो आपसे पूछे कि भाई अच्छा आपकी कोपिंग स्ट्रेटजी क्या है स्ट्रेस को लेकर, ठीक है ना। तो हर एक बंदा आप सब में स्ट्रेस होता है तो पढ़ता है ठीक है। जो क्राइसिस आती है, जो डिफिकल्टीज आती हैं, उसमें आप किसके साथ बात करते हो, ठीक है ना, उसको कोप करने के लिए, ठीक है ना। टेंस आर रिलैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम, आप हर वक्त ठीक है ना टेंस रहते हो या रिलैक्स रहते हो, हैप्पी मूड में रहते हो या सैड मूड में रहते हो, ठीक है। बाद लोगों के ठीक है ना हर वक्त 12 बजे होते हैं, ठीक है ना, वो बेचारे टेंस में होते हैं। अच्छा, व्हेन टेंस, या आप किस वक्त परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको यूज करते हुए हम पेशेंट के स्ट्रेस लेवल को प्रसीव करते हैं, और उसके इस इनसे हमें क्या पता चलता है कि पेशेंट्स की मैनेजमेंट क्या है कोपिंग से रिलेटेड, सही है। अच्छा, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है कुछ। अब वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न, ये लास्ट है, ठीक है ना। अब वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न में हम क्या करते हैं, असेसमेंट इज फोकस ऑन द पर्सन वैल्यूज एंड बिलीफ, यहाँ पे जो पेशेंट है उसकी वैल्यू और बिलीफ से रिलेटेड हम क्या करते हैं, मालूम कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब वैल्यू का मतलब क्या है, देखो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, उनको हम क्या कहते हैं, वैल्यू, ठीक है ना। आप देखो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, आप 50 में से ठीक है आप जो यहाँ पे आए हैं क्लास लेने के लिए, आपकी नज़र नज़दीक पोस्टारिंग ज़्यादा वैल्यू है, और जो लोग इस तरह ड्यूटी पे नहीं है रूम में बैठे हुए लेक्चर ले रहे हैं उनके नज़दीक भी वैल्यू है लेकिन रिलेटिवली कम है। तो वैल्यू का सिंपल मतलब क्या हुआ कि आप रोज़मर्रा लाइफ में किन चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंस दे रही हैं, ठीक है ना। और आपका जो डिसीजन होता है ना वो ऑन द बेस ऑफ दिस वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो वैल्यूज क्या हुई, वैल्यूज का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आप सराउंडिंग जो चीजें हैं उनको आप कितना वैल्यू देते हो, आपके नजदीक में कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। आप ऑन द बेस ऑफ दिस वैल्यू क्या देते हैं, डिसीजन लेते हो, ठीक है ना। सिंपली वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न में आप क्या करोगे, पेशेंट की वैल्यू और उसके बिलीफ से रिलेटेड आप डेटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है ना। आप देखें सब्जेक्टिव डेटा में क्या कह रहा है, जनरली गेट थिंग्स यू वांट फ्रॉम लाइफ, आप ठीक है ना जिंदगी से जो चाहते हो वो आपको मिली या नहीं मिली है, लेकिन आपके गोल के बारे में बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट प्लान फॉर द फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए प्लान क्या हैं, ठीक है ना। और रिलीजियस इंपॉर्टेंस, अब ये बिलीफ में आ गया, ठीक है ना। अब बिलीफ क्या है, बिलीफ ऐसी अजम्पशंस हैं, ठीक है ना। बिलीफ क्या है, ऐसी अजम्पशंस हैं जिसके लिए किसी चीज़ का प्रूफ होना लाजमी नहीं है। अब देखिए हमारा बिलीफ है कि खुदा एक है, इसके लिए किसी चीज़ प्रूफ का होना लाजमी नहीं है, ठीक है। तो बिलीफ बेसिक चीजें होती हैं जिसके लिए ये अजम्पशंस होते हैं, ठीक है ना, इसके लिए प्रूफ का होना लाजमी नहीं है, ठीक है ना। बिलीफ जो है ना वो लार्जर कैटेगरी है एज कम्पेयर टू वैल्यूज, सही है ना। बिलीफ्स जो है ना वो आपको क्या देती हैं, मॉरल वैल्यूज देती हैं। देखें अब हम मुसलमान हैं, हमारा बिलीव है, ठीक है ना, हम हमें इस्लाम दिया गया, आपकी फोटो इस तरह पेश आना है, बहुत ही इस तरह पेश आना है,
ठीक है ना, तो आपको उसने हमें एक मोरल वैल्यूज दी है, अखलाकियात सिखाई है, ठीक है ना, जबकि वैल्यूज जो है ना ये आपको डिसीजन में हेल्प करेंगे। आपकी लाइफ में जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, रिगार्डिंग टू गेट इंपॉर्टेंस आप डिसीजन हो गए, ज्यादा इंपॉर्टेंस डिसीजन तो आप डिसीजन तो ज्यादा मोहताज हो गए हो, ठीक है ना। तो सिंपली जो लास्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, जो डाटा कलेक्ट करेंगे अबाउट पर्सन वैल्यूज एंड बिलीफ, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल बिलीफ। अच्छा, अब नर्सिंग डायग्नोज जो है ना इससे रिलेटेड क्या है, इम्पेयर्ड रिलीजियस, ठीक है ना, मॉरल डिस्ट्रेस, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड, ठीक है ना, उसके बाद स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस और रिस्क फॉर स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, ठीक है ना, ये कुछ नर्सिंग डायग्नोज हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, कुछ आप लोग को रेफरेंसेस हैं, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी करना हो, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात यह है कि इसको आपको पढ़ के आना है, समराइज अगर मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना, जो पंचर है पैटर्न है ना, ये असेसमेंट टूल है, इसमें जो आप लोग को नर्सिंग पार्टनर का जो असेसमेंट स्टेप है पहला, उसमें पेशेंट से जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उस कलेक्शन में हेल्प करता है। आप तो पर्सनल हेल्थ पैटर्न को यूज करके डेटा को कलेक्ट करोगे तो वो डेटा क्या होगा, कंप्रिहेंसिव डेटा होगा, लेकिन अगर पर्सनल हेल्थ पैटर्न नर्सिंग को एक गाइड प्रोवाइड करता है फॉर कंप्रिहेंसिव डेटा कलेक्शन, ठीक है ना, और पर्सनल हेल्थ पैटर्न मार्जोरी गॉर्डन ने पेश किया था, ठीक है ना, और इसकी 11 कैटेगरीज हैं, आप 11 डिफरेंट कैटेगरीज इंडिकेट डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, ठीक है ना, आप पेशेंट के 11 डिफरेंट फंक्शनल एरियाज से रिलेटेड आप क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट पर्सन, और हर कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास क्या है, डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोज आते हैं, ठीक है ना, आप उसको पढ़ते आएंगे